चार सवालों के जवाब तो दे दिए तुमने भीमराव, बट नाउ द लास्ट वन। पांचवे और आखिरी सवाल का जवाब दो तो जानू, अभी तक भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाले पांच लोगों का नाम बताओ, और तुमने उनके नाम क्यों लिए ये भी बताओ। पांच क्या? मैं तो 100 लोगों के नाम बता दूंगा वैभव देव जी, जिन्होंने भारत के इतिहास में बहुत बड़ा संघर्ष किया है, और हमें उन सभी लोगों से प्रेरित होना चाहिए, क्योंकि उनका संघर्ष सच में उतना बड़ा था। लेकिन वो नाम ऐसे हैं जो मैं जानता हूं, आप जानते हैं, ये जानते हैं, ये जानते हैं, सब जानते हैं। इसलिए आज मैं आपको उन लोगों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं। क्योंकि क्या है ना वैभव देव जी, कोई भी संगठन 4-5 लोगों से नहीं बनता है, वो एक समूह होता है बहुत सारे लोगों का, जिनमें से 4-5 लोगों के नाम हमें और इतिहास को याद रहते हैं, लेकिन बाकी 95 लोग भी होते हैं जो संघर्ष करते हैं, लेकिन वो छोटी जात के होते हैं। उनका नाम आपको कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि इतिहास तो वो लोग लिख सकते हैं ना जो पढ़ना लिखना जानते हैं। हमारी जात के लोगों को कहाँ पढ़ना लिखना आता है, तो कैसे लिखेंगे इतिहास? इसलिए वैभव देव जी, भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाले वो लोग हैं जिन्हें आप छोटी जात के कहते हैं, और वो हम हैं। बड़ी जात के घर में बच्चा पैदा होता है तो ईश्वर का आशीर्वाद समझ लिया जाता है, लेकिन हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो समाज के लिए अभिशाप बन जाता है। बार बार हमारे घर का, हमारी जाति का, हमारे सोच का शुद्धिकरण करने की बात की जाती है। तुम लोगों का शुद्धिकरण होगा, तुम लोगों को दीक्षा देकर एक बेहतरीन स्थान देना चाहते हैं, सम्मान का पात्र बनाना चाहते हैं। हमारे चलने से जमीन पर निशान ना आए, इसलिए कमर में झाड़ू बांध दिया जाता है। ये पीछे झाड़ू इसलिए ताकि जिन रास्तों पर हम चले उन पर हमारे पैरों की जो निशान बन जाए तो ये झाड़ू से मिटा सके। हमारी थूक से मिट्टी अपवित्र ना हो सके, इसलिए गले में मटका बांध दिया जाता है। ये मटका देख रहे हो ना, ये इसलिए है ताकि हम जब ऊंची जाति वालों के मोहल्ले से गुजरे तो हमारा थूक उनकी जमीन पर ना गिरे। ईश्वर और धर्म से डराया जाता है हमें, लेकिन मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता है। बड़ी जात के घर की गली मोहल्ले की गंदगी हम साफ करते हैं, लेकिन हमारे छूने से
पानी गंदा हो जाता है। दरोगा साहब कभी भी हमारे मोहल्ले में आ सकते हैं। किसी को भी बिना वजह बिना सबूत के चोर कह के लेके जा सकते हैं। कोई भी हमारे मोहल्ले में आ सकता है, सामान उठाकर पटक सकता है, किसी को भी मार सकते हैं। जैसे मारना उनका अधिकार हो और मार खाना हमारा कर्तव्य। हमारी आई मर जाती है तो जलाने के लिए जगह भी नहीं दी जाती है। इसे जलाओगे कहाँ? वही जहाँ हम लोग अंतिम संस्कार करते हैं। वहाँ तो हम नहीं जलाने देंगे। इस महिला की लाश अगर तुम वहाँ जलाए तो पूरे गांव का वातावरण दूषित हो जाएगा। जाओ, ले जाओ, कहीं और जाके जलाओ। इसलिए वैभव देव जी, हमें हर पल लगता है कि हम जीवन जी नहीं रहे हैं बल्कि जीने का बोझ हो रहे हैं। और वैसे भी समाज के लिए तो हम बोझ ही है ना। देखिए ना, आपके जात में से कोई पेंशन की मांग करता है तो आप उनके साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन आज हम पेंशन की मांग कर रहे हैं तो आप मुझे सवाल पूछकर मेरी परीक्षा ले रहे हैं। किसी ना किसी तरीके से मुझे अपमानित करना चाहते हैं और मन ही मन में ये भी चाहते हैं कि मेरे बाबा को कभी पेंशन ना मिल सके। इसीलिए वैभव देव जी, हम वो लोग हैं जिनके संघर्ष के बारे में किसी ने इतिहास में नहीं लिखा, लेकिन संघर्ष है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उन 5 नामों में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां सभी नाम हमारी मतलब छोटी जाति के हैं। नाम नाम चाहे जो कह दीजिए, चाहे राम जी कह दीजिए, पुरंजन कह दीजिए, आनंद, जनार्दन, नटवर, हितेश, जोखू, कुछ भी कह दीजिए, लेकिन छोटी जात के लोग हैं और संघर्ष है।